आज बहुत ही टेस्टी आटे की बर्फी बनाने वाले हैं। इसे बनाना तो आसान है ही, ये काफी टेस्टी भी लगती है और काफी हेल्दी भी है। बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में 1 कप गेहूं का आटा लेंगे। इसे हमें लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये हल्की सी ब्राउन कलर की हो जाए। मैंने यहाँ पे नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, बट अगर आपके पास थोड़ा मोटा वाला आटा हो जो स्पेशली लड्डू के लिए होता है तो आप वो वाला आटा भी यूज कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे बराबर चलाते रहें और फ्लेम को लो रखेंगे। आटा थोड़ा सा रोस्ट हो गया है, इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। मुझे इसे रोस्ट करते हुए अभी 5 मिनट हुए हैं, इसे 3 से 4 मिनट तक और रोस्ट करेंगे। आटा बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब इस बर्फी को और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच जितना बारीक कटा हुआ नट्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे नट्स का पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, पिस्ता और बादाम लिया है। ये डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, पर नट्स डालने से ये बर्फी थोड़ी और हेल्दी हो जाती है और काफी फिलिंग भी होती है। खासकर अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इसमें नट्स जरूर ऐड करें। नट्स डालने के बाद इसे वापस से 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। नट्स भी बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो अब इसमें 1/3 कप जितना घी ऐड करेंगे। आप घी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सारा घी एक बार में ऐड ना करें, पहले आधा घी ऐड करें, उसके बाद जब जरूरत पड़े तो और घी ऐड करें। घी डालने के बाद वापस से इसे 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे। मुझे इसे रोस्ट करते हुए 4 मिनट हो गए हैं और ये मिक्स अब बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुका है, घी भी रिलीज होने लगा है, तो फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा ठंडा करना है, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए आप इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है ताकि ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। इस मिक्स को मैंने 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए काउंटर पे छोड़ दिया था। अब ये हल्का गर्म है, मतलब आप इसे फिंगर से टच कर सकते हैं, ये उतना गर्म है। इसमें 1/2 छोटे चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और 1/2 कप गुड़ का पाउडर। आप चाहें तो गुड़ की जगह पे चीनी का भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये मिक्स अभी हल्का सा गर्म है तो इसकी गर्माहट से गुड़ मेल्ट होगा और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। हमने घी भी इसमें बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी में डाला है, इसलिए ये बिल्कुल अच्छे से सेट होगी। पर इसे मिक्स करते टाइम इन केस अगर आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप इसमें 1 बड़े चम्मच जितना पिघला हुआ घी ऐड कर सकते हैं, या फिर 1 बड़े चम्मच या 2 बड़े चम्मच दूध ऐड करें। मैंने यहाँ पे ये ट्रे लिया है, इसे हल्के से घी से ग्रीस कर लेंगे। अब ये मिक्स इस पे स्प्रेड कर देंगे। मैंने यहाँ पे थोड़े से कटे हुए आलमंड और पिस्ता से इसे गार्निश किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने देंगे, या फिर आप चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। 20 मिनट हो गए हैं और ये बर्फी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसे कट कर लेते हैं और ये देखिए, आटे की परफेक्ट बर्फी बनके बिल्कुल रेडी है। ये खाने में भी बहुत ज्यादा यमी लगती है और इसे बनाना भी कितना ज्यादा आसान है। तो आप इसे एक बार जरूर बना के ट्राई करें, और अगर ट्राई करने के बाद पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो।